हलके असम्बली याकूतपुरा और हैदराबाद पार्लियामानी हलके में, हैदराबाद के पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में आज याकूतपुरा असम्बली हलके में 15 करोड़ लागत से तरक्याती कामों का आज इफ्तिताह किया गया, जिसमें VDCC की रोड, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, सीवरेज लाइन, ये तमाम कामों का इफ्तिताह हुआ। और मैं शुक्रगुजार हूँ याकूतपुरा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन सदर मुतमदीन का, जिन्होंने पिछले 3.5-4 महीने से इन कामों पर बहुत मेहनत की और ग्रेटर हैदराबाद के बल्दिया से नुमाइंदगी करके MLA साहब और मेरे लेटर पैड पर एस्टीमेट्स बनाए, एस्टीमेट्स की मंजूरी भी हुई। उनकी मेहनत की वजह से ये आज कामों का इफ्तिताह हुआ और भी बहुत से काम होना बाकी हैं। और आज मैं पिछले 3.75 घंटे से याकूतपुरा में पैदल फिर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अवामुन्नास से मुलाकात भी हुई, बहुत से उनके मसाइल के बारे में भी मुझे बताया गया है। और इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी जानिब से और हमारे मुकामी MLA अराकीन बल्दिया सदर मुतमदीन मिलकर जो तकालीफ और मसाइल अवाम ने मुझे बताई है आज, उसको हल करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और मैं जोनल कमिश्नर जनाब अशोक सम्राट साहब से फौरन रابطہ किया हूँ और जो जो मसाइल जल्दी हल हो सकते उनको जल्दी हल भी किया जाएगा। तो ये एक सिलसिला है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कि हैदराबाद की पार्लियामानी हलके को एक मिसाली पार्लियामानी हलका बनाया जाए, जहाँ पर बिला लिहाज मज़ो मिल्लत तरक्याती काम, डेवलपमेंट के काम करवाए जा रहे हैं और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी करवाए जाएंगे। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि आपकी कोई तकालीफ है, मसाइल हैं, तो आप मुश्तक मुकामी रुकन असम्बली, मुकामी रुकन बल्दिया और आपके जो बूथ लेवल के सदर मुतमदीन हैं, मजलिस के ब्रांच प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, उनको बताइए। इंशाअल्लाह हम उन पूरे कामों को जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे।